आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया टीवी, वॉइस ऑफ फैमिली में आपके साथ से है। नए साल में एटीएम से फ्री पैसा निकालने की सीमा के बाद पैसे निकालने पर आपको पहले से ज्यादा चार्ज देना होगा। जी हाँ, 1 जनवरी 2022 से एटीएम से मुफ्त निकासी की सीमा के बाद पैसे निकालने पर बैंक 20 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन की बजाय 21 रुपए ट्रांजेक्शन चार्ज वसूलेंगे। अभी तक बैंक ग्राहकों को हर महीने 5 बार अपने एटीएम से पैसे की निकासी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। मुफ्त निकासी की सीमा खत्म होने के बाद पैसे निकालने पर बैंक 20 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन का शुल्क लगता है, लेकिन 1 जनवरी से छठी बार पैसे निकालने पर 21 रुपए और उस पर टैक्स जोड़कर चार्ज देना होगा। हालांकि सभी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्री रहेगा, जिसमें बैलेंस चेक करने से लेकर मिनी स्टेटमेंट या पिन बदलना इनमें शामिल है। बैंक के ग्राहकों को 1 जनवरी से नए रेट्स लागू होने के बाद 5वें ट्रांजेक्शन के बाद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 21 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन और 8.50 रुपए नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए देने होंगे। दरअसल इसी साल जून में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को एटीएम के जरिए तय मुफ्त मंथली लिमिट से अधिक बार रकम निकालने या अन्य लेन देन करने पर ज्यादा चार्ज वसूलने की इजाजत दे दी। 10 जून को जारी किए गए आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को दूसरे बैंकों के एटीएम में कार्ड के इस्तेमाल करने के एवज में लगने वाले शुल्क की क्षतिपूर्ति और अन्य लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए उन्हें प्रति लेन देन चार्ज बढ़ाकर बढ़ाने की इजाजत दे दी गई। ये था आप तक का अपडेट। लगातार छोटे से बड़े अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।